सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और मेरा नाम है कपिल। आज का जो वीडियो है वो दरअसल रेडियस मिलिंग के ऊपर है, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कुछ रेडियस के ऊपर एक वीडियो बनाइए अच्छी सी। तो आज का जो वीडियो है मेरा वो रेडियस के ऊपर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप में। मतलब अगर आपका जो रेडियस है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है मतलब एंगल में कैलकुलेट करें तो 180 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो आपको कैसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे आप तो उस पर चलेगा नहीं, तो आपको कुछ थोड़ा चेंजेस करना है। तो वो चेंजेस की हम बात करने वाले। तो फर्स्टली हम देखने वाले कि हमको ऑपरेशन क्या करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये आपको मैंने ड्राइंग दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड है, इसको हमको मशीनिंग करना है। और उसका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे एंड पॉइंट है, ये पूरा हमको इसको मिलिंग करना है, रेडियस मिलिंग करना है। तो उसका जो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोऑर्डिनेट पे निकाल दिए, 10.3 है इसका डिस्टेंस है, देखिए ये 10.3, 28.2 और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद में इसका एंड पॉइंट 29.9 है और जो डिस्टेंस 2.6 है और उसका रेडियस है वो 30 है। मतलब 30 रेडियस का आपको उसमें रेडियस मिलिंग करना है। और जो कंपाउंड का डायमीटर है ये सेंटर डायमीटर ये 14 है। हम यहाँ से उसका WPC जनरेट करने वाले, मतलब यहाँ से उसका WPC देने वाले और यहाँ से आप हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो अगर उसका अगर एक डिग्री कैलकुलेट करें तो डिग्री भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो 205 डिग्री हो रहा है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ऐसा आपको अगर रेडियस मिलिंग करना है तो आपको नॉर्मल प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा उसमें। तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो हम देखने वाले। ये देखिए इसका मैंने टूल पाथ भी जनरेट किया, हम इसमें 10 mm का एंड मिल यूज़ करने वाले। तो एंड मिल से हम ये ऑपरेशन करने वाले ऐसा हम कंसिडर करेंगे इसको। अगर एंड मिल से करते हैं तो उसका जो रेडियस है उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप 10 mm का एंड मिल यूज़ करते हैं, 10 mm का एंड मिल यूज़ करते तो आपको 5 mm उससे प्लस रखना पड़ेगा, जो भी आपके रेडियस का जो डायमेंशन वो 5 mm प्लस रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने उसका पाथ जनरेट करके दिखाया आपको कि कैसा अपना ये टूल यहाँ पे ट्रैवल होगा। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो उसका जो रेडियस आएगा वो 35 आएगा। तो उसके हिसाब से मैंने कोऑर्डिनेट निकाले, ये देखिए इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अपने कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हम जो पहले देख रहे थे तो पहले वाले ड्राइंग में देखा कि जो एक्चुअल हमारा कंपाउंड है उसका ये था कोऑर्डिनेट, अभी हम जो पाथ से मशीनिंग करने वाले वो पाथ का कोऑर्डिनेट है, मतलब वहाँ से हमारा टूल ट्रैवल होने वाला है। तो पहला देख लीजिए वाई का जो वैल्यू रहेगा ये 12 है जो स्टार्ट पॉइंट हमारा है। उसके बाद में एक्स का जो वैल्यू रहेगा 32.9 रहेगा। तो यहाँ से पूरा मतलब ये रेडियस कंप्लीट करते हुए ये एंड पॉइंट पे जाएगा। उसका जो कोऑर्डिनेट है वो वाई का है 3.1 और एक्स 34.9। तो ऐसे कुछ हमको ऑपरेशन करना है इसका। तो उसके बाद में देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो प्रोग्राम तो जैसे रेडियस मिलिंग होता है वैसे ही रहता है, लेकिन थोड़ा चेंजेस रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो फर्स्टली हम देखने वाले हैं N1। N1 एक सीक्वेंस नंबर है, ये आप अलग अलग ऑपरेशन के लिए भी डाल सकते हैं और हर एक लाइन को भी डाल सकते, आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं N1 का। ऐसे अगर आपने ऑपरेशन वाइज डाला तो आपको अगर कोई ऑपरेशन सर्च करना है तो डायरेक्टली आप N डाल के उसका सीक्वेंस नंबर डाल के आपको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन के लिए डाला है। उसके बाद में M06T09 से टूल चेंज कमांड है, अगर टूल चेंज करना है तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद में T09 मतलब ये टूल नंबर है, टी मतलब टूल नंबर और 09 मतलब इसका टूल नंबर है, मतलब मैगजीन का 9 नंबर का टूल इसमें यूज़ होने वाला है ये ऑपरेशन के लिए, ऐसा हम कंसिडर करने वाले।
उसके बाद में G0, G90, G70, G59, एक्स माइनस 32.9, वाई माइनस 12। तो G0 पुशनिंग मतलब रैपिड में चलती है मशीन, मतलब आपको कोई भी पुशन पे अगर फास्टली ट्रैवल कराना है एक्सिस का तो G0 का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद में G90 है एब्सोल्यूट कमांड। एब्सोल्यूट कमांड मतलब जो भी हम WPS से सिलेक्ट करते वहाँ से हम सारे डायमेंशन उसमें मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे G90 का इस्तेमाल किया है। और G70 मतलब एक्स वाई प्लेन, हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस को काम में लेने वाले, इस वजह से हम यहाँ पे G70 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G59 दरअसल ये अपना वर्क पीस क्वाड्रेंट है, मतलब जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सेंटर से हमने इसका WPC सेट किया, मतलब यहाँ पे जो भी मशीन वैल्यू रहेगी, जो भी मशीन वैल्यू आएगी उसको हमने जो 59 का WPC वहाँ पे हमने सेट कर दिया है, इस वजह से हमने यहाँ पे G59 का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में X माइनस 32.9 और Y माइनस 12, इसका जो ट्रैवल होगा ये माइनस साइड में होने वाला है दोनों एक्सिस में, इस वजह से हम X माइनस 32.9 जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका जो कोऑर्डिनेट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए, उसका कोऑर्डिनेट है वो स्टार्ट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको, X माइनस 32.9 और Y भी यहाँ पे माइनस में होने वाला है ट्रैवल, इस वजह से Y माइनस 12। तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, इस वजह से यहाँ पे हम एक्सिस मूवमेंट कराएंगे। उसके बाद में G43, Z100, H15, M03, S3000। तो G43 है टूल लाइन कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे हम जो भी ऑफसेट यूज़ करने वाले इसका सब ऑफसेट है वो प्लस डायरेक्शन में, इस वजह से हम यहाँ पे G43 का इस्तेमाल करने वाले। उसके बाद में Z100, यहाँ पे हम जो कंपोनेंट है उसके ऊपर टच करके इसका ऑफसेट लेने वाले, वहाँ से 100 mm ऊपर आके टूल रुकेगा यहाँ पे Z100 पे। उसके बाद में H15, H मतलब हाइट कोड है इसका, ऑफसेट नंबर भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ऑफसेट नंबर उसमें प्रोग्राम में देने के लिए आपको H का इस्तेमाल करना होता है, तो H15 मतलब यहाँ पे 15 नंबर का ऑफसेट यूज़ होने वाला है ये प्रोग्राम के लिए। उसके बाद में M03, S3000, M03 ये रोटेशन का मॉड है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है वैसे अपना टूल घूमेगा इसमें, इसलिए यहाँ पे M03। और उसके बाद में S3000, S मतलब सिंडल स्पीड, RPM जो हमने यहाँ पे RPM दिया है वो 3000 दिया, मतलब एक मिनट में 3000 राउंड हो गए टूल के। उसके बाद में G0, Z5, M07। तो G0 वापस मशीन रैपिड में चलेगी, उसके बाद में Z5 तो ये 0 से 5 mm ऊपर आके टूल रुकेगा। उसके बाद में M07 मतलब कूलेंट ऑन, यहाँ पे हमारा मशीन का कूलेंट ऑन हो गया। उसके बाद में G01, Z-10, F200। तो G01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब यहाँ पे हमको फीड में काम करना है, इस वजह से यहाँ पे G01 का इस्तेमाल किया है। G01 मतलब आपको जहाँ पे फीड का इस्तेमाल करना है, फीड में मशीन चलानी है तो आपको G01 का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने G01 का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में Z-10, इसका जो डेप्थ है हम ऐसा कंसिडर करेंगे, उसका जो डेप्थ है मतलब जो अपने कंपाउंड का थिकनेस है वो 10 mm में, इस वजह से यहाँ पे जो हम फेस से उसका ऑफसेट लेने वाले, इस वजह से हम उसको Z-10 देंगे, मतलब 10 mm नीचे जाएगा हमारा टूल। और उसके बाद में उसका फीड, ये मतलब फीड, और फीड है वो 200 है, मतलब एक मिनट में 200 mm ट्रैवल होगा एक्सिस का। उसके बाद में G02, X 34.9, Y-3.1, R-35। तो G02 है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मतलब जो सर्कुलर इंटरपोलेशन है मतलब सर्कल में आपका ट्रैवल होगा, जो रेडियस दिया है आपने वो रेडियस से ट्रैवल होगा, तो वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी जैसे घूमती वैसे अपना टूल रोटेट होगा, वैसा उसका पाथ होगा। तो उसके बाद में एक 34.9, Y-3.1, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है आपको यहाँ पे एंड पॉइंट देना है, क्योंकि हमने स्टार्ट पॉइंट शुरुआत में दिया, 3 नंबर लाइन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट है,
मतलब यहाँ पे हमारा पहले टूल आ गया था, हम यहाँ पे अभी उसको एंड पॉइंट देने वाले। तो एंड पॉइंट दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ड्राइंग में भी मेंशन किया उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का है, ये प्लस साइड में आएगा, इस वजह से एक 34.9 है। और जो वाई आएगा वो माइनस में आएगा, इस वजह से वाई माइनस 3.1 है। उसके बाद में आर्क माइनस 35। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था उसमें भी आपको रेडियस दिखाया था, लेकिन वहाँ पे आर्क प्लस का इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें क्या हो गया है जो आपको शुरुआत में ही बताया मैंने, इसका जो अगर आप रेडियस इंटरपोलेशन करते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन करते हैं रेडियस से, अगर आपका रेडियस 180 डिग्री से प्लस है, इससे पहले भी बताया आपको मैंने, इसका जो डिग्री है 205 है, मतलब 205 डिग्री है, तो 180 डिग्री से प्लस है, इस वजह से आपको आर माइनस वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप आर प्लस यूज़ करेंगे तो आपका रेडियस जनरेट होगा ही नहीं। तो इसलिए आपको अगर 180 डिग्री से प्लस में अगर रेडियस मिलिंग करना है, मशीनिंग करना है, तो आपको माइनस साइन देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आर माइनस 35, ये सबसे बड़ा चेंजेस इसमें। अगर आप 180 डिग्री से कम कर रहे हैं रेडियस तो आपको आर 35 देना पड़ता है, लेकिन 180 डिग्री से ज़्यादा है इस वजह से आपको आर माइनस 35 यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फीड है वो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले ब्लॉक में दिया था F200, तो इसको फीड बाय डिफॉल्ट रहेगी वही फिर F200, मतलब एक मिनट में 200 mm ट्रैवल करेगा एक्सिस। उसके बाद में G0, G90, Z100, G0 मतलब वापस रैपिड में चलेगी मशीन, उसके बाद में G90 मतलब एब्सोल्यूट में चलेगी, और उसके बाद में Z100 मतलब ये जहाँ पे हमने कंपोनेंट पे टच करके ऑफसेट लिया है वहाँ से 100 ऊपर जाएगा। उसके बाद में M09 मतलब यहाँ पे कूलेंट ऑफ हो गया मशीन का। उसके बाद में M05 यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप हो गया। उसके बाद में M30 मतलब साइकिल एंड। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ऐसे अगर आपको आपका जो रेडियस है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको उसमें आर माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कंपाउंड है तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ या फिर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।